नमस्कार, घड़ी भी 9 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। इस बुलेटिन में होंगी तमाम वो खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है, लेकिन शुरुआत कोरोना से जुड़ी तमाम खबरों के साथ ही करेंगे। देश भर में कोरोना के नए मामलों में फौरी गिरावट से राहत तो मिली है, लेकिन हालात अब भी बेकाबू हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार कमोवेश डराने वाली है, तो वहीं मुंबई में भी घटते केस ने राहत दी है। एक घंटे तक हम आपके साथ बने रहेंगे, बताएंगे आपको कैसे ऑक्सीजन वैक्सीन से जुड़ी तमाम वो खबरें जिनसे पूरा देश परेशान है। 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर में अपने शहर का हाल देखिएगा। ये भी दिखाएंगे आपको कि वैक्सीन के लिए किस तरीके से लोग कतार में खड़े हैं। बिहार से चौंकाने वाली खबर होगी कि गंगा में शव कहां से आए हैं, किसके आए हैं। सबसे पहले आपको लिए चलते हैं तिरुपति, जहां बिन ऑक्सीजन मरीजों ने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के तिरुपति में एक बड़ा हादसा हुआ है। चित्तूर जिले के तिरुपति में रुइया नामक सरकारी अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते कोविड के 11 मरीजों की दर्दनाक तरीके से मौत हो गई है। कलेक्टर के मुताबिक कल रात में आईसीयू में ऑक्सीजन की सप्लाई में कमी की वजह से कोरोना के 11 मरीजों की जान चली गई थी। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने इस मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। जिस अस्पताल में हादसा हुआ है वो कोविड केयर सेंटर है। कुल 135 मरीज वेंटिलेटर पर थे, बाकी मरीजों को बचा लिया गया है। 3 तस्वीरें आपके सामने हैं। जब ऑक्सीजन की कमी हुई तब परिजन घबरा गए, वहां अफरा तफरी का आलम हो गया और स्थिति संभलती उसके पहले 11 मरीजों की जान चली गई। उसके बाद परिजनों का आक्रोश, गुस्सा डॉक्टर्स पर, नर्सेस पर, कि किस तरीके से अपनी आंखों के सामने उन्होंने अपने परिजनों को दम तोड़ते हुए देखा। तिरुपति में बड़ा हादसा, रुइया नामक सरकारी अस्पताल जहां की बद इंतजामी के चलते ऑक्सीजन की कमी हुई और उसके बाद 11 मरीजों की जान चली गई। आशीष पांडे हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं सीधे वहीं से। आशीष, जिस तरीके से ये पूरी घटना हुई है, कहीं ना कहीं अस्पताल प्रशासन की लापरवाही है। क्या वो ये मान रहे हैं या फिर से एक बार वही स्थिति कि अपने आप को डिफेंड करने के लिए कुछ भी रीजन दिया जा रहा है? एग्जैक्ट तौर पर नेहा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। खानापूर्ति शुरू हो गई है, जांच के आदेश मुख्यमंत्री ने दे दिए हैं, कलेक्टर स्वयं अस्पताल पहुंचे थे, उन्होंने भी स्थिति का मुआयना किया और जब मीडिया कर्मियों ने कलेक्टर से बात की तो उन्होंने साफ तौर पे इस बात को सिरे से नकार दिया कि कोई ऑक्सीजन की कमी थी। उन्होंने कहा कि रात के 8 बजे सोमवार की रात 8 बजे करीब 8 मिनट तक जो ऑक्सीजन का जो प्रेशर था उसमें कमी आ गई, कोई ऑक्सीजन की कमी नहीं थी और इस प्रेशर की कमी की वजह से कम 11 लोगों की मौत हो गई। 5 अभी भी क्रिटिकल है, जिनको डॉक्टर लगातार उनको कोशिश कर रहे हैं रिवाइव करने की। इस हादसे की अगर बात करें तो रुइया जो है ये चित्तूर जिले का एक बहुत बड़ा और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। करीब 1000 बिस्तरों का ये मल्टी स्पेशलिटी नामी हॉस्पिटल है और इसको कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया गया था। 135 वेंटिलेटर बेड यहां पर मौजूद है और इन्हीं बेड में, जो कि आईसीयू वार्ड के अंदर थे, महिला और पुरुष वार्ड के अंदर थे, अचानक से ऑक्सीजन का सैचुरेशन, ऑक्सीजन का प्रेशर कम होना शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन के जो वेंटिलेटर मशीन है वो अलार्म बजाना शुरू करते हैं और अफरा तफरी फैल जाती है। आनंद फानन में कलेक्टर, ज्वाइंट कलेक्टर, तिरुपति के जो नवनिर्वाचित वाईएसआर कांग्रेस पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है उसके सांसद, विधायक सभी अस्पताल की तरफ दौड़ लगाते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी फोन गनगनाने लगते हैं, मुख्यमंत्री भी घटना की जानकारी लेते हैं, लेकिन इन सब के बावजूद 11 जाने चली गई है। मृतकों में जो हमने अस्पताल के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, हमने जब स्वास्थ्य कर्मी अधिकारियों से और विभाग के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, उनका कहना था कि आईसीयू वार्ड में ये पेशेंट ऑलरेडी पहले से ही उनकी स्थिति क्रिटिकल थी और इस वजह से उनकी मौत हुई। तो जाहिर तौर पर बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। आशीष हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे ऑक्सीजन के प्रेशर में कमी थी जिसकी वजह से 11 मरीजों ने दम तोड़ दिया, कुछ अभी भी क्रिटिकल बताए जा रहे हैं। अब बात दिल्ली की करेंगे, जहां केस तो घटे हैं लेकिन खौफ अब भी बरकरार है, डर है ऑक्सीजन को लेकर, वैक्सीन की मारामारी जारी है, अस्पतालों की स्थिति बदहाल है क्योंकि वहां पर बेड के लिए कतार में लोग खड़े हैं, कुछ लोग हार रहे हैं, कुछ लोग हताश हैं। टीके को लेकर केजरीवाल और केंद्र में टकरा
टकराव अब भी जारी है। ये उस दिल्ली का हाल है जहां संक्रमण के सबसे भयावह दौर को लोग यहां के झेल रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के मामलों के बीच रामलीला मैदान में 500 बेड्स का फौरी अस्पताल शुरू हो गया है। केजरीवाल सरकार का यह दावा है कि हालात को देखते हुए पूरी रफ्तार में अस्पताल बना है। पूरा देश और दिल्ली कोरोना की दूसरी लहर से परेशान है, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी और इस बीच सरकार क्या तैयारियां कर रही है ये जानना भी बेहद जरूरी है। इस वक्त हम मौजूद हैं जीटीबी अस्पताल के नजदीक रामलीला मैदान में। इस मैदान को 500 आईसीयू बेड्स का अस्पताल बनाया गया है और तस्वीरों में आप देख रहे हैं ये वेंटिलेटर बेड्स हैं जिनकी संख्या यहाँ पर काफी ज्यादा देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पर हम आपको बता दें कि जिस तरह से गंभीर मरीजों के लिए बेड्स नहीं मिल पा रहे थे और साथ ही साथ तीसरी लहर आने का भी अंदेशा जताया जा रहा है, तो सरकार अपनी तैयारियों को मजबूत कर रही है। और क्योंकि जो आईसीयू बेड्स होते हैं उसमें ऑक्सीजन की खपत भी बहुत ज़्यादा होती है, तो ऐसे में यहाँ पर एक ऑक्सीजन स्टोरेज प्लांट भी तैयार किया गया है जिसमें 20 मीट्रिक टन से ज़्यादा ऑक्सीजन को स्टोर किया जाएगा। सामने आप देख रहे हैं डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है और हम आपको ये भी बताएंगे कि जब ये अस्पताल बनकर तैयार हो गया है और यहाँ पर 500 गंभीर कोरोना मरीजों का इलाज किया जाएगा तो कितना स्टाफ यहाँ पर मौजूद है। जो आंकड़े हमें मिले हैं वो बताते हैं कि यहाँ पर 8-8 घंटे की शिफ्ट होगी और इस शिफ्ट के मुताबिक यहाँ पर 120 जूनियर रेजिडेंस डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई है, 40 सीनियर रेजिडेंस डॉक्टर यहाँ पर होंगे, यहाँ पर 20 से 30 स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी होंगे। यानी किसी कोरोना मरीज को कोई हार्ट की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, तो उसकी जांच के लिए भी यहाँ पर सीनियर डॉक्टर्स की तैनाती, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की तैनाती की जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर करीब 350 नर्सिंग स्टाफ को भी तैनात किया जा रहा है। हाउसिंग स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, इन सब की ड्यूटी तो हर जगह होती ही है, लेकिन ये बेड्स देखिए, इनके बारे में हम आपको खास बात बताते हैं। क्योंकि जो आईसीयू बेड होता है वो खास उपकरण से लेस होता है। यहाँ अगर हम आपको तस्वीरों में दिखाएं तो हमें कुछ ऐसे बेड्स भी नज़र आए हैं जो पीएम केयर फंड्स के द्वारा दिए गए हैं इस अस्पताल को। ये देखिए, यहाँ पर पीएम केयर फंड्स की तरफ से इस वेंटिलेटर बेड को यहाँ पर पहुँचाया गया है। बेड के लिए मारामारी जारी है। इस बीच सरकार भी अपनी कोशिशों में लगी हुई है। वैक्सीन के लिए हालांकि लंबी लाइन है, लंबी कतार है, लोगों को अपनी बारी का इंतजार है, लेकिन दिल्ली में वैक्सीन पर सियासत भी जमकर हो रही है। ऑक्सीजन की स्थिति दिल्ली के अंदर काफी सुधरी है पिछले कुछ दिनों में। अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिली कि मिलती कि इस अस्पताल में 2 घंटे की ऑक्सीजन रह गई, उस अस्पताल में 1/2 घंटे की ऑक्सीजन रह गई, यहाँ पे किसी की ऑक्सीजन से मौत हो सकती है। अब इस तरह की बातें सुनने को नहीं मिल रही है। तो इस लॉकडाउन के पीरियड को हमने अपने सिस्टम को भी सुधारने में काफी प्रयास किए। दिल्ली वासियों, ये हकीकत है। लाखों एडवर्टाइजमेंट सुबह से शाम तक, मगर हकीकत 17%, 48%, 50% इतने ही लोगों को जो वैक्सीन मुफ्त मिल रहा था वो वैक्सीन पहुंच नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आपने समय रहते सही तरीके से वैक्सीनेशन को आगे नहीं बढ़ाया। ठीक उसी प्रकार ऑक्सीजन के हिसाब किताब में कोई एक मरीज अगर ऑक्सीजन की कमी के कारण मरना तो बहुत दूर की बात है बंधु, अगर तड़पता भी है, उसे तकलीफ भी होती है, तो ये मानवता के खिलाफ, ये इंसानियत के खिलाफ जुल्म है। हमारे 3 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव लखनऊ से हैं, सौरभ अक्तानिया मुंबई से जुड़ गए हैं, लेकिन सबसे पहले दिल्ली का रुख करेंगे जहां से कुमार कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुमार, लगातार सियासत करना कहां तक लोगों को फायदा पहुंचाएगा? एक तरफ संबित पात्रा आरोपों के तीर चला रहे हैं, दूसरी तरफ केजरीवाल अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत से तो आप भी रूबरू हैं, हम जानते हैं कि अब भी लोग दम तोड़ रहे हैं ऑक्सीजन के अभाव में, और आरोप ये लग रहे हैं कि वक्त रहते अगर दिल्ली ने अपनी ऑक्सीजन की आपूर्ति को बता दिया होता तो उस तरीके से तैयारी भी हो जाती। बिल्कुल, और जब नेताओं को यह लगने लग गया है कि अब ऑक्सीजन का जो क्राइसिस है वो थोड़ा बेहतर हो गया, उसमें हालात अब उतने बुरे नहीं रह गए हैं,
तो अब दूसरी तरफ से सियासत शुरू हो गई है, और वो सियासत शुरू हो गई है वैक्सीन के नाम पर। अब दिल्ली सरकार कह रही है कि जितना वैक्सीन मिलना चाहिए था दिल्ली को, उतना केंद्र सरकार ने मुहैया नहीं कराया। हमने तो 1,34,00,000 वैक्सीन के लिए हमने आवेदन किया था, हमने उसकी मांग रखी थी, मिला है बहुत कम। तो इस तरीके से, उसी तरीके से बीजेपी आरोप लगाती है कि जितना वैक्सीन मिला उसका सदुपयोग दिल्ली सरकार ने नहीं किया। तो अब लगता है क्या कि जो नेक्स्ट स्टेज की तैयारी है सियासत के लेवल पर भी होने लगी है, उन्हें लगता है कि अब 20% से नीचे आ गया है संक्रमण दर, जो केस है वो 11,000 से थोड़े से ऊपर रह गए हैं, तो अब जो दूसरा वेव है वो दिल्ली में थोड़ा कमजोर पड़ने लग गया है, तो सियासत मजबूत होने लगी है। और आपने सुना भी, चाहे मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, बीजेपी, कांग्रेस, हर कोई अब इस तरीके से लगा हुआ है कि कैसे एक दूसरे के सिर ठीकरा फोड़ा जाए कि किसकी नाकामयाबी के चलते इतना बड़ा लॉटरी में आपके पास। इस बीच महाराष्ट्र में आंकड़ों में थोड़ी कमी तो आई है, लेकिन इसे लॉकडाउन का भी असर कहा जा सकता है। लॉकडाउन ने चेन को तोड़ा है, नए केस 37,236 पिछले 24 घंटे में, जबकि 549 लोगों की जान गई है। ये ग्राफ अब नीचे की ओर बढ़ता हुआ महाराष्ट्र में 5 मई से लेकर 10 मई तक कुल मौत के आंकड़े देख लीजिए तो उसमें कमी आई है। 920 लोगों की जान गई थी 5 मई को, वहीं 10 मई को 549 लोगों की जान गई है पूरे महाराष्ट्र में। सौरभ अक्तानिया हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सौरभ, एक तरफ तो लॉकडाउन है जो सरकार को ये कम से कम भरोसा देता है कि इससे कोरोना का ग्राफ नीचे जाएगा, भले ही वो मौत का आंकड़ा हो, संक्रमितों का आंकड़ा, लेकिन तैयारियों के लिहाज से किस तरीके से पेसअप किया है सरकार ने, कैसे इनको बढ़ाया है, बेड्स की संख्या हो या फिर ऑक्सीजन मुहैया कराने की। और हमने पहले भी देखा है कि कैसे दिल्ली के मुकाबले मुंबई बेहतर तरीके से तैयार थी। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कल मुंबई में भी आप देखेंगे तकरीबन 1800 के करीब तक जो है मामले सामने आए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि केसेस तो कम हो रहे हैं, लेकिन अब हमें आगे के लिए भी प्रिपेयर होना है। अब आगे के लिए किस तरीके से प्रिपेयर होंगे कि सबसे पहले तो जो ऑक्सीजन बेड्स है वो सबसे ज्यादा बढ़ाना है, उसके लिए और 2 से 3 जो कोविड केयर सेंटर है, जब वो कोविड केयर सेंटर, उनको बढ़ाने की कोशिश चल रही है, साथ ही जो ऑक्सीजन प्लांट है उसको भी बढ़ाया जा रहा है। दूसरी एक बात बताऊं, अभी जो महाराष्ट्र सरकार है वो लॉकडाउन किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए तो इस पर चर्चा हो रही है, क्या लॉकडाउन को और स्ट्रिक्ट किया जाए या मुंबई में जो रिस्ट्रिक्शन है उसको कम किया जाए, तो ये दो चीजों पे खास डिस्कशन चल रहा है। दूसरी अगर जो बात करूं तो मिनिस्टर्स लगातार ग्लोबल टेंडर्स की बात कर रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, फिर कहीं ना कहीं वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है उसकी जो कमी है वो खास हमें वैक्सीनेशन सेंटर्स पर दिख ही रही है। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको सेकेंड डोज नहीं मिल रहा है, तो ग्लोबल टेंडर के सहारे अब कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है कि फॉरेन से वैक्सीन जल्द से जल्द महाराष्ट्र में लाई जाए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जा सके। ये तो था महाराष्ट्र का हाल, अब कुछ अन्य राज्यों पर भी फोकस कर लेते हैं। किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं, पिछले 24 घंटे में उत्तर प्रदेश में नए मामले 21,331, 278 लोगों की जान गई है उत्तर प्रदेश में। ये कोरोना का ताजा आंकड़ा हम आपको दिखा रहे हैं। शिवेंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शिवेंद्र, उत्तर प्रदेश में बदहाली का आलम तो यह है कि वीआईपी हो, वीवीआईपी हो, उन्हें भी बेड्स मिलने में समस्या है, उन्होंने पत्र भी लिखा है बकायदा, और ये पूरे तरीके से स्पष्ट होता है वहां पर कि किस तरीके से सिस्टम चरमरा चुका है, लेकिन लॉकडाउन ने थोड़ी मदद की है क्योंकि संक्रमितों का आंकड़ा उत्तर प्रदेश में भी अब थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। जी देखिए नेहा, जो ये आंकड़ों में कमी दिख रही है उसके पीछे वजह सिर्फ एक ही है कि लॉकडाउन बीच बीच में बढ़ा दिया गया। अभी 17 तारीख तक की लॉकडाउन है उत्तर प्रदेश में, और इसकी वजह से तमाम ऑफिसर, तमाम बहुत सारे लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं, और ये जो कॉन्टेक्ट में आने की वजह से संक्रमण बढ़ रहा था वो नहीं हो रहा है, इसीलिए कमी आई है। लेकिन इस बीच जो तमाम सुधार किए जाने थे उनमें बहुत ज्यादा कोई फर्क नहीं दिखता है, कहीं ना कहीं देखा जाए तो बदहाली दिखती है, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, दवाइयों की बात हो। और अब आने वाले वक्त में जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो गांव की तरफ बढ़ रहा कोरोना संक्रमण है, क्योंकि पंचायत चुनाव के बाद लोग इकट्ठा हुए हैं और बहुत सारे लोग
अभी भी जो जो जो, जो जानकारियां आ रही हैं उसके मुताबिक लोगों को संक्रमण फैल रहा है, लेकिन वहां ना तो टीम्स जा रही हैं, न दवाइयां दी जा रही हैं, न वहां पर स्वास्थ्य केंद्र पर ठीक से व्यवस्था की जा रही है। तो उसका नतीजा ये है कि आने वाले दिनों में गांव और छोटे कस्बों में जहां पर सुविधाओं की पहले से ही बहुत कमी है और अभी भी कमी है, वहां जब संक्रमण फैलना शुरू होगा तो कितना बड़ी चुनौती होगी। हालांकि लॉकडाउन जो है वो भी बढ़ाया जा सकता है आने वाले दिनों में, लेकिन अभी जो हालात है उसमें बहुत कोई सुधार नहीं दिखता। और इस बीच कोविड का एक अस्पताल है जिसके लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज यहां पर आ रहे हैं और वो डीआरडीओ के अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, सुविधाओं करेंगे। लेकिन नेहा जो हालात हैं वो अभी बहुत सुधरे हुए नहीं है। हालांकि फर्क आया है, पिछले एक हफ्ते में ग्राफ गिरा है, 38,000 से 21,000 तक आया है संक्रमण का आंकड़ा। बिल्कुल, लेकिन चिंता का विषय शिवेंद्र ये भी है कि अब शहरों से लेकर गांव तक संक्रमण का प्रकोप देखा जा सकता है। बहरहाल इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अमेरिका में अब कोरोना वैक्सीन बच्चों को भी लगाई जाएगी। फाइजर की कोविड वैक्सीन 12 साल तक के बच्चों को लगाई जा सकती है। इस बारे में अमेरिकी नियामकों ने जरूरी मंजूरी दे दी है। जो अप्रूवल्स हैं वो हो गए हैं। अमेरिका में बच्चों को अब वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी। फाइजर की वैक्सीन को ये मंजूरी मिली है। बारह साल तक के बच्चों के लिए अब वैक्सीन उपलब्ध होगी अमेरिका में। उनको टीकाकरण किया जा सकता है क्योंकि फाइजर की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। तीसरी लहर से जंग के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि तीसरी लहर में कई एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि सबसे ज्यादा बच्चे प्रभावित होंगे। बिहार की अब बात करेंगे, जहां पर बक्सर के पास गंगा नदी में बहते शवों को लेकर तनातनी तेज हो चुकी है। कोरोना काल में शवों को लेकर तमाम तरीके के कयास लगाए जा रहे हैं। तो क्या ये शव कोरोना से मौत के बाद के हैं? तो ये शव कहां से बहकर आ रहे हैं, ये भी बड़ा सवाल बना हुआ है। सरकारी पन्नों में कैद कोरोना से मौत के आंकड़ों पर सवाल उठाती तस्वीर गंगा के किनारे से आई है। क्या गंगा में बहती आम लोगों के शवों की बढ़ती गिनती इस बात की तरफ इशारा करती है कि सरकारी फाइलों में मौत के आंकड़े सच्चे नहीं है? क्या नदी किनारे फैले ये शव गांवों में फैलती कोरोना की लहर की एक अशुभ सूचना का अंदेशा जताते हैं? क्या शमशान घाटों पर अंतिम क्रिया की लाइनें इतनी लंबी हो चुकी हैं कि लोग अपनों को कोरोना से खोकर उनके शव गंगा में यूं बहा दे रहे हैं? इन सारे सवालों की जड़ में है ये तस्वीरें। ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं, लेकिन सच्चाई जानना जरूरी है, क्योंकि बिहार में बक्सर के चौसा पास के करीब गंगा के किनारे घाट पर एक दो नहीं बल्कि कई सारे शव बहते नजर आए हैं। और इन्हीं शवों की गिनती और शव किसके हैं, कहां से आ रहे हैं, सब सवालों पर स्थानीय लोग और प्रशासन की जुबान पर अलग अलग बयान है। पहले SDO को सुनते हैं। इधर गंगा जी में दिख रही हैं 10-12 लाशें जो दिख रही हैं, उसका ये पता किया गया कि गंगा जी में ही दूर से प्रवाहित होके वो लाशें आई हैं। लेकिन बक्सर में गंगा किनारे बहते मिले इन्हीं शवों पर यहीं के BDO अशोक कुमार उनके आंकड़े कुछ और कहते हैं। यहाँ लाशें बह के आ रही हैं। कहाँ से बह के आ रही हैं? बहती हुई लाशें कहीं दूर से आ रही हैं, जैसे देखने में आ रहा है कि गंगा जी के किनारे हर 200 मीटर 100 मीटर की दूरी पे लाशें लगी हुई। जब हम इसकी पड़ताल करते हैं तो यहाँ के घाट के किनारे स्थानीय जनता तक पहुँचते हैं और कहानी नए दावों के साथ पलटती नजर आती है। जब से मौजूद हूँ मैं यहाँ पर, कभी 30-35 लाशें आ चुकी, कोई जल प्रवाह कर दिया। हाँ, संक्रमित लाशें है वो। अब SDO का आंकड़ा सच्चा है, BDO का आंकड़ा सच्चा है या फिर स्थानीय लोग, सवाल उठता है कि शव कहाँ के हैं? बक्सर का प्रशासन इसके लिए अपनी दलील में इन्हें उत्तर प्रदेश के लोगों का शव बताता है। बक्सर का जो है बॉडी जो है वो बक्सर का नहीं है, वो प्रवाह होके आ रहा है। और जो भी प्रथम दृष्टया जो वहाँ हमारी टीम है, जो हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है, इलाज तो कहीं ना कहीं से आ ही रही है। अब वो अन्वेषण का विषय है कि वो बारे से आ रही है कि बनारस से आ रही है कि इलाहाबाद से आ रही है, क्योंकि ये लाशें जो दिख रही हैं लगता है कि ये 5-7 दिन से बहती हुई लाशें हैं, क्योंकि ये फूल गई हैं। इतनी जल्दी लाशें फूलती नहीं है और हमारे यहाँ लाश प्रवाहित करने का कोई परंपरा नहीं रही है। UP के प्रशासनिक अधिकारियों का बयान आना अभी बाकी है। सवाल ये कि क्या ये शव सरकारी फाइलों में दर्ज मौत के आंकड़ों में शामिल है? और चिंता की बात ये है कि अगर ऐसे ही नदी किनारे शव फैलते रहे तो क्या कोरोना का संक्रमण और बुरी तरह फैलेगा? पुष्पेंद्र पांडे, बक्सर आज तक।
कोरोना से जान खतरे में है, लेकिन कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे और दूसरों के लिए जान का खतरा बन रहे हैं। बदायूं में एक धार्मिक समारोह में भीड़ ऐसी उमड़ी कि सांस पर संकट आ गया। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले की हैं, जहां पर मुस्लिम धर्म गुरु की अंतिम यात्रा के दौरान लॉकडाउन के खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। आप देख सकते हैं कि धर्म गुरु के जनाजे में उमड़े जनसैलाब में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया। दरअसल मुस्लिम धर्म गुरु मोहम्मद सलीम का रविवार को इंतकाल हो गया। जैसे ये खबर लोगों को पता चली, उनके अनुयायी अंतिम दर्शन के लिए बदायूं पहुंच गए। फिर क्या हुआ, आप तस्वीर में देख सकते हैं, ना तो किसी के चेहरे पर मास्क है और ना ही किसी को कोरोना के संक्रमण फैलने का डर। सोचिए, अगर एक भी शख्स कोरोना से संक्रमित हुआ तो वो इस भीड़ में मौजूद होगा तो कितनों को संक्रमित कर देगा। अब ये तस्वीर देखिए, छत्तीसगढ़ के रायपुर की है। यहाँ पर कांग्रेस नेता के भतीजे की शादी में सोशल डिस्टेंसिंग की अनदेखी की गई। ये तब है जब छत्तीसगढ़ में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल है। आप देख सकते हैं, पार्टी चल रही है, लोग डांस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार और कांग्रेस के नेता के घर हुई पार्टी में लॉकडाउन के नियम तोड़े जा रहे हैं। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से आई हैं, जहां पर शादी के जश्न में लॉकडाउन के नियम की धज्जियां उड़ाई गई। बाकायदा स्टेज पर डांस चल रहा है और शादी समारोह में आए लोग महामारी से एकदम बेफिक्र हैं। अलग अलग शहरों से आ रही तस्वीरें डरा रही हैं। कोरोना की सबसे भयानक लहर का कहर जारी है, बावजूद इसके लोगों की जानलेवा लापरवाही जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और।